प्यार दे बर आए रहे सिंगरार होगे जी, प्यार दे बर आए रहे सिंगरार होगे जी, टूरा आइसक्रीम खा के फरार होगे जी, टूरा आइसक्रीम खा के फरार होगे जी। क्रिकेट हमन खेलत हन ना वो सच्चाई, ओकर से ना हमर मन में जो प्रेशर है ना फिल्म रिलीज के प्रेशर बहुत कम हो गए। तुमन के तो प्रेशर क्रिकेट खेले ले कम हो जाते, हमन का करे चीयर लीडर। हां एल्सा बोल समा पूरा छत्तीसगढ़ी अच्छा से नहीं बोल पा रही। हां अभी बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था मुई। हां मैं अभी अभी भी नहीं, अभी हुई है भाई वैसे से भाई। तब बोल लो एक्साइटमेंट, बोल लो डर, बोल लो और प्रेशर बहुत बहुत प्रेशर। इसीलिए क्रिकेट खेल के आए हो सुबह से? हां हेलो 1 2 3 4 भैया भुइया ला छोड़ जबैया ते थीरा बे कहाँ रे, छैया भुइया ला छोड़ जबैया ते थीरा बे कहाँ रे, पंछी उड़ा थे आकाश करते बिरहा आवास, धरती माए बिना दाना पानी खाबे कहाँ रे, तैथीरा बे हारे, छैया भुइया ला छोड़ जबैया तैथीरा बे कहाँ रे। तो 24 साल बाद 24 मई 2024 को है हमारी फिल्म मोर छैया भुइया 2। छत्तीसगढ़ में अब्बर दिन बाद 24 साल बाद छैया भुइया 2 मुइया थे, छैया भुइया 2 हरे ना मुई, छैया भुइया पार्ट 2। तब मोर से कन्फ्यूजन शुरू हो गई से, तब सब कन्फ्यूजन ला दूर करी मन भैया है और सब जन अपन अपन नाम बताई। मैं मन भैया हूँ, दीपक भैया का नाम जानता हूँ, आपके नाम एल्सा, अब आपके नाम दीक्षा जायसवाल है, मुँह नाम जय जोहार। सबके नाम ला मैं बता दे हूँ, सबके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो धन्यवाद ये पिक्चर के शूटिंग हो गया, फाइनली कल पिक्चर आने वाला है, कितना उत्सुकता है मन में अभी? इतना ही है, कुछ के नहीं है। नहीं मोना भैया एक सवाल रही से, ठीक है, जब पेपर के रिजल्ट आते तो मन में ना भारी कहीं कुछ चला दी था, साला कैसे हुई, फेल हो, पास हो, कम नंबर तो नहीं आ जी। तो आप मन जब पिक्चर बनाता हो, जब शूटिंग होने वाला, मतलब रिलीज होने वाला रही थे, तो आप मन के मन में क्या कार्यक्रम चलते हैं? वही रही थी और ओखर ज्यादा रही थी। हाँ। वो एक हर बार ना वहाँ में तो कम से कम घर पे चुपचाप बैठ सकते हैं। हाँ। कि चलो टेंशन में हैं तो घर में बैठ जाओ, अब कुछ भी कर लो, पिक्चर देख लो, पिक्चर देखे बच्चे दोस्त में घूमे। जब फिल्म आते तो हमारे पास वो भी टाइम नहीं रहा है कि चुपचाप बैठ जाओ या फिर पिक्चर देखे पर चले जाओ, कुछ और कर लो, कहीं वाटर वर्ल्ड चले जाओ। हमन से प्रमोशन करते तो रात और दिन वही बात चलती थी। अब वही बात चला देते तो बार बार याद थे कल पिक्चर रिलीज है, कल पिक्चर रिलीज है। वो बार बार बुक माई शो देखा था तो टाकिज फोन करके पूछा था कि क्या पोजीशन है, पब्लिक में क्या माहौल है। मुझे लगता है कि वो जो 12वीं के रिजल्ट होते थे ना, ओला डबल ट्रिपल कर लो, उतना उत्सुकता बोल लो, एक्साइटमेंट बोल लो, डर बोल लो और प्रेशर बहुत बहुत प्रेशर। इसीलिए क्रिकेट खेल के आए सुबह से? मतलब मानबे नहीं कि नींद इतना जल्दी खुल जाते, अब क्या कर पो उठ गए तो क्रिकेट खेलते ना आजकल हमारे नहीं जो लेकिन जो अब वो बहुत बड़ा थेरेपी है भाई हमारे मन में। नहीं जो क्रिकेट हमन खेलत है ना वो सच्चाई, ओकर से ना हमारे मन में जो प्रेशर है ना फिल्म रिलीज के प्रेशर बहुत कम हो गए। तुमन के तो प्रेशर क्रिकेट खेले ले कम हो जाते, हमन का करे चीयर लीडर। अरे भाई वो चीयर्स गर्ल भी तो चाहिए हमारे क्रिकेट में। अब हमन चौका छक्का मारते ना वहां जिधर सारे लड़की के नामो निशान नहीं हमारे यहाँ, तो क्या बूस्ट नहीं, तो वो छक्का बॉल अभी चौका ही मारता ना, छोड़ ना इसे करके तो लड़की मना आ जाएगी। हमन जब आना तो पूरा मैच के बाद चला रही थी, अभी का क्रिकेट के माहौल चला थी थोड़ा से, तो अभी वो रंग में सब रंगे हुए हैं। हमन चाहतन कि एवन भी आए और हमारे एक एक टीम के जो ब्रांड एम्बेसडर बने। अब मैं बोल दू मीडिया में मन नहीं है भाई, तुम ट्रोल करो तुमन हमार जैसे दीपक की टीम से एल्सा खर टी शर्ट पहनी है, ओला चीयर्स करे पर रही, मोर टीम से दीक्षा ही, तो ऐसे करके आई। एक्चुअल में ये क्या हमारे भी थोड़ा ऐसे हुई ना कि छक्का का मारवा तो थोड़ा देखवा अच्छा लगी, अरे मेरी हीरोइन देख रही है, जीत के आना चाहिए। नहीं भैया तो भैया मन भैया आप मैंने बताओ, हमने एल्सा से ना पहली और इंटरव्यू करने को हुई आ रही से था। हाँ। एल्सा बोल समा पूरा छत्तीसगढ़ी अच्छा से नहीं बोल पा रही, अभी बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था मुई। अभी भी नहीं, अभी हुई है भाई वैसे से भाई।
सिर्फ डायलॉग डिलीवरी करवा लो एकदम फ्लुएंटली तो बोली छत्तीसगढ़ में। पर दूसरा एक्ट्रेस मन से बहुत अच्छा बोलते, मैं बहुत एक्ट्रेस मन साथ काम कर रहे हूँ जिमन बाहर से आए वो सब में मैं पहली कहू। दूसरा डायरेक्टर मन भी जब कभी बात चलते एल्सा की या कभी कोई फिल्म के तो मैं बोलता हूँ कि वो इतना जल्द छत्तीसगढ़ी पकड़ते हैं और जब वो डायलॉग बोलते ना बड़े बड़े तो ऐसे नहीं कीला का बोल दे काला को बोल दे ऐसे नहीं, जो लिखे है वो प्रॉपर बोलते हैं। तो ये चीज में तो लड़की टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड। आज पार्टी है, आज पार्टी है, आज पार्टी है। तो पार्टी डन है। जैसा बताए थे वैसे ही बोला ना। आप मन के जो वो ये छत्तीसगढ़ी डायलॉग बहुत सुंदर ठीक है, लेकिन एल्सा के डायलॉग सुनो भैया। एक हाथ तो दो तीन दो लाइन के कम से कम दो लाइन के। एक तो ना पिछली वाली में माया के खाने में बाबूला पूछ के बताओ ऐसा करके हो गया था। और एक बताओ और डायलॉग। अरे एक हाथ तो याद कर। वो नहीं बताना है। कौन से? कुछ नहीं, पागली हमारी रिवील कर रही है। उधर से बॉस डांट देंगे। गाना गा के सुना दो क्या छत्तीसगढ़ी में? हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा तो बोली हो कि मतलब तान से नहीं, सब के सब गाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, आइसक्रीम वाला ना सब गाते। चलो शुरुआत में करती हूँ। प्यार दे बर आए रही सिकरार होगे जी, प्यार दे बर आए रही सिकरार होगे जी, टूरा आइसक्रीम खा के फरार होगे जी, टूरा आइसक्रीम खा के फरार होगे जी। कुछ नहीं खायो भयो भाई। कुछ नहीं, बस आइसक्रीम। अच्छा डाइट बनी था फिल्म कर रहे थे तो मुझे याद है क्या है, मोटा गिरी। अभी अभी दुबला है ना, अभी दुबला है, मोटा गिरी जब आरिस तो हमन देखे ना सोचे। पहला दिन जब एल्सा आरिस ना हमन खाना खाते हैं रात को ना, रात को मैं डिनर टाइम रही हम सब सब 15-20 जन बैठे खाते हैं तो हम सब देखा था वही डिस्कस करते हैं मोटा गए मोटा गए। फिल्म के हीरो ही नहीं है इतना बैठे तो उखरे बारे में बात करी, हमन तो पुराना हो गए रहे वो रोज एक दो मुंह देखा रहे तो वाइस ना तो सब बोलते मोटा आगे देखा मोटा आगे से करके। तो फिर ना बिछाई ना बहुत दिन तक डाइट करी सो एकदम सिर्फ लिक्विड पी पी के रहा है हमन खाना खान ये लिक्विड पिए। पहली फुर्सत में एकदम डाइट करके पतली हो गई पिक्चर के। हाँ एकदम और खुद पता चल गई इसकी मोटा आगे होकर के कपड़ा वड़ा मन टाइट हो तो यो कर। मुलत जो मिली वही चली बोला। कैसे भी हो भैया ले शुरू है कि मैं कहने सुपर स्टार रेस भाई सुपर स्टार साथ सामने काम ही करना अपन आपने बड़े बाजे तो मतलब मोटी रहे पतली रहे सब रहे बढ़िया डबल पार्टी आ जिसको डबल पार्टी के लिए वो मोला सिर्फ लंच करे तो लंच और डिनर दोनों कर ही आ। ये बताओ आप मन जब पिक्चर शूटिंग करे पर निकलता हो मतलब एक्शन एक्शन मूड वाला मामला रहते हैं पिक्चर में सब मूड रहते ना तो एक्शन मूड के मामला रात हुई तो वो दिन खाए पिए के भी डिसाइड रहते का दो दिन तक के चलते ना एक्शन दो दिन तीन दिन लगातार तो वो समय हमन लंच डिनर थोड़ा हल्का करता अब एकदम ही ऐसे भर पेट दाल भात खा ली बैठे तो अब मजा आया। तो याद थोड़ी रहेगा कि वो उस दिन एक्शन था, हो सकता है उस दिन गाना होगा हीरोइन को उठाना होगा ये भी तो हो सकते भाई। हकन के खाता जितने हीरोइन उठाना रहता ना वो दिन हकन के खाता ना मालूम है। एकदम सही है मैं तो ना अभी एक फोटो डालू जीरो बनी हीरो फोटो डाल रहे हो मैं ऐसे ना ऐसे करके ना एक्सरसाइज करा था वो मेरा कम मतलब अगर 100 कमेंट आए हो ना उसमें से 20 कमेंट तो ही रही से हाँ भैया भारी लगत हुई ना हीरोइन ने उठाता तब तो भारी नहीं लगे 15-20 किलो सिलेंडर है भैया ये भारी लगा थे ना 60 किलो की लड़की भारी नहीं लगे ये बात सही भी है। मन से ओला एकदम मन से उठाता ना मन पता है भाई मोला हम मैं उदिन एक ठोक वो कुछ बच्चा मन के गेर हो मैं एक अकेडमी में तो मन पूछिस मोला कि भैया वो लड़की वड़की मन ला तुमन ऐसे पकड़ते हो या कुछ करते हो तो तुम्हारे मन ला मतलब कैसे कम्फर्ट होता कैसे रिएक्शन दे तू कैसे मतलब आँख में एकदम प्यार दिखते करके। ये बचपन से है भाई। नहीं नहीं तो मैं बोला क्या बोले मालूम देख भाई एक तो हमन
गांव का आदमी कलवा बिलवा आदमी कहां से हीरो बन गए और अचानक से हमारे हाथ में परी असन हीरोइन वाला दे थे मन हाँ डायरेक्टर मन हाँ परी असन हीरोइन दे थे हमारे हाथ में हमारे पागल हो जाते थे सब सब भूल जाना चाहिए वो तो ऑटोमेटिक रिएक्शन आते वो में डरना का भाई तो हाथ में से लीगली दे गए कि एला उठाना है एला भाई लीगली है ना वो तो एक हिसाब से एक हिसाब से मतलब दे दे डायरेक्टर बोले कि अच्छा से उठाना भाई एला या अच्छा से प्यार करना लड़की से तो अरे बाप रे मतलब सोचो क्या हुई है बोल के मैं बोले भाई तो वो जे दिन ते करबे ना मैं बोले वो भी आर्ट के रीज है मैं बोले जे दिन ते करबे ना उस दिन तो समझ आई कि वो ना प्यार करे जे दिन प्यार अपन आप ही आ जाते साले नहीं पर ये बेचारा भी मेरे को उठाया इस फिल्म में और एकदम थका दिया इस बेचारे को मतलब दिन भर का सब सीन करा दिया और एंड में जाके बोला चलो भागो उसको मन भाई बोली से कि ये चीज करे में ना ऑटोमेटिक उत्सुकता आते और बिंदास होते तो 8-10 बार उठाया होकर बाद भी इच्छा होती है घाव उठा दो सर कोई दिक्कत नहीं बोले 4 घाव दौड़ा लो मोला पिक्चर में तो एक बार भी नहीं उठाया नहीं ना वाह एक झूठ बोला थे मया के मौसम गाना देखना अपमान कम से कम 10 बार अब इन भाई इतना एकदम ठोस है ना यहाँ इना ये मतलब ना खाली दिखे में ना पतली है ना अब एक हाइट अच्छा है ना एक हाइट अच्छा है तो ना मेला पकड़े घुमाओ ना अपना मेड़ ऊपर घुमाना इस मेड़ रही से पगडंडी रही खेत के मेले उठाओ ना मेला लगी इसकी मैं उठा के ना घुमा दू और कॉमन घुमा ऐसे पकड़ के ना बस ऐसे घुमाना रही से अरे बाप रे मैं एक बार घुमाया ना बोला समझ आ गया हम बहुत दिन से एक्सरसाइज बंद कर दे रहे हैं शूटिंग में जमे नहीं तो मैं ना मैं समझ गया पता है मैं गए दो चार कई एक बार खेत में भी डाल दे रहा ना ऐसे बाजू बाजू खेत रहा है तो इसे घुमाया हुआ थक गया ना बैलेंस आउट होने तो एला छोड़ो ना एला छोड़ो खेत में घुस के रहा है बट ये मस्त सदा लड़कों से उठाए नहीं जाते बोलते हाँ बहुत दिन से एक्सरसाइज बंद कर दिया ना इसीलिए हाँ ये बिंदा जाता हाँ नहीं वो क्या पीछे से पकड़ना इतना करके मोला ज्यादा कम फीलिंग है मोला आगे आगे घुमाया बार बोलो तुम्हें आगे से घुमाया बार बोलो तुम्हें बाद में बाद की बातें कर रहे हो आप कुरैशी जी चैलेंज नहीं बोले इला अपॉर्चुनिटी बोलते हैं नहीं सतीश भैया के फिल्म में आप ना कैरेक्टर नहीं छोड़ सको आप मतलब ना दूसरा फिल्म में कई बार होते हैं हम जैसे गैप होते दो दिन गैप होगी तीन दिन गैप होगी तो कहीं ना वापस रिकवर करने में एक दो सीन लग जाते हैं या फिर वोला कॉन्सेंट्रेट करना पड़ते सतीश भैया फिल्म में आप कैरेक्टर नहीं छोड़ सको आप मतलब आप पलक भी जैसे झपकते हो पहला दिन वैसे आप लोग झपकना है अगर अगर ये सिकुड़ना नहीं है तो ये नहीं सिकुड़ना है पूरा 30 दिन 40 दिन मतलब अगर अगर भाव उठाना है तो उठाना ही है आप कैरेक्टर नहीं छोड़ सको वो बहुत मुश्किल होते हैं हमारा हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं मन कुरेशी नहीं हूँ मैं उदय हूँ दीपक का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं दीपक नहीं हूँ मैं कार्तिक हूँ तो ये चीज़ थोड़ा स्टप जाते हैं हमारे मन पर दीक्षा आपसे हम पूछबो दीक्षा जी आप मतलब का लगी से कि पिक्चर में आप पर सबसे बड़ी चुनौती एक आम रही से जो एक से पहले का ता एकर से पहली मैं एक बीए फाइनल ईयर कर रहे हैं जस्ट हाँ सबसे मुश्किल रही से वो सतीश भी खुद बोलते कमाल के वो फिल्म में एक तेलुगु कैरेक्टर करे रहे हो और वहाँ मोला अपन बॉडी लैंग्वेज पूरे डरी सहमी वाले तेलुगु भाषा भी बोलना है डिक्शन और अपन टोन मॉड्यूलेशन सब चीज़ चेंज करना है मैं अपन बिल्कुल अपोजिट रहे हो रियल लाइफ से अपन कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट हो मैं काम कर रहे हो ए बल्कि मोर छिए भुया टू में मोला थोड़ा सा खेले के मौका मिले रही से थोड़ा नटखट चुलबुली सुंदर सी ऐसे करके लेकिन जैसे फर्स्ट पार्ट में पूनम मैम हाँ करे रही से ना अतका प्यार से सादगी से ओला मैं अतका बार देखे हूँ फिल्म ला ओला मैच करे बर खबर कि मैं खुद ओकर फैन हो गए रही हूँ कि कतका प्यारा करे करके तो बहुत चैलेंजिंग भी रही से लेकिन सर हाँ बोली कि नहीं ठीक ठीक दाँव खेले हों ऐसे करके तो वहाँ मैं खुशी गदगदा गई रही हूँ कि हाँ चले सर ला अच्छा पसंद आते कर मैं तो उसको हाँ बेचारे अमलेश को ठोक के निकाल ही दी थी मैं फ्रेम से ही बाहर चला गया था वो इसमें अब चैलेंजिंग
उतना नहीं, एक तो एक जैसे कि टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी, वो अपने आप में एक मतलब बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, उस पर फिर से परफॉर्म करना तो वो जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहती है ऑडियंस को उसको मैच करना, वो मेरे को चैलेंजिंग लगता है कहीं ना कहीं। और एक अपना गाना है तोला भावर पर आना है, तो उसमें शुरू में एक टैप डांस वाला सेक्शन था, तो उसके पहले क्या हो गया था कि अपने एक सीन में मेरा घुटना जो है इसको बचाने के चक्कर में मेरा इंजर हो चुका था, तो उसको लेके फिर वो कर मैं वो 3 दिन शूट में मैं बहुत ऐसे एकदम एकदम चिड़ी हुई थी, एकदम ऐसे खड़ूस बन के घूमती थी मैं, एकदम सट से बजने वाला आवाज आया था। और ये बेचारा मतलब गाने के शूट के पहले दिन जो एक मतलब टाइम मिला नहीं बट वो बनाया उसको अपन रिहर्सल को, तो आया था और मैं गई रिहर्सल करने और मैं तो उधर भी जाके रिहर्सल पे यू नो दर्द होना चालू हो गया, फिर मेरे को हॉस्पिटल वगैरह ले गया, तो बेचारे का रिहर्सल ही भसक गया उस दिन। बट हाँ, तो वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था, सबसे चैलेंजिंग तो इसके लिए था शायद। बताइए नहीं मोर बार इसे चैलेंज तो नहीं बोलूँ बट एक जिम्मेदारी रही इसे, काबर की ये फिल्म के जो कैरेक्टर में निभा तो वो आप सबो जानना पता है कौन निभाए, हमारे अनुज भैया, वो जो जो एक जगह पे ले जाके कैरेक्टर ला छोड़े तो वो एक जिम्मेदारी रही इसे कि वो कैरेक्टर ला वहीं से उठाना है या ऊपर लेके जाना है या कम से कम जतका अनुज भैया करे वहाँ तक अगर पहुँचा देता, तो ये एक जिम्मेदारी के तौर पे रही से चीज़ है, चैलेंज तो नहीं बोलूँ। सर है बहुत कुछ समझाई से कैरेक्टर के बारे में, काबर की वो फिल्म अभी वही शूट करे तो वो अनुज भैया के कैरेक्टर ला बनाने वाला सतीश सर ही छरे, तो बोला पता है कि ये कैरेक्टर काय कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं का नहीं करना है का करना है, तो वो सब चीज़ सर हम मोला बताई से, तो वो जिम्मेदारी ला निभाए के पूरा कोशिश तो जरूर करें, अब बाकी तो देखते हैं। मोना भैया सतीश सर से सवाल रही थी, सतीश सर यहाँ पे नहीं, ठीक है, तो सतीश सर के बाद सीनियर मोस्ट ये रहे। हाँ, नहीं, 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 आप सब जन से वो सवाल करूंगे, ठीक है ना, सब जन से कुछ आपसे मैं घरों में जवाब दे दूंगा, पसंद नहीं इतना ये जो पिक्चर है 24 साल बाद आई, ठीक है, अब 24 साल मतलब जे पिक्चर ला पहली बार देखी सोई मांगी चल 25 साल के लड़का 50 साल के हो गए, ठीक है 49 साल के, वो पिक्चर मतलब वो लोगन मतलब ये पिक्चर में कैसे कनेक्ट करे, कैसे जोड़ी वो लोगन मतलब 50 साल के व्यक्ति है वो कैसे जोड़ पाई पिक्चर में का कुछ आपन से मैं एक वो करत हूं, मतलब एक ये चीज के तो एकदम श्योरिटी है कि छैया भुइया बदले नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अचानक उठा कोई लव स्टोरी बना दो नाम छैया भुइया रख दें, नहीं, वो डायरेक्टर भयंकर जिम्मेदार डायरेक्टर भाई, वो सतीश जैन जी है, वो आप मन जानते हो कि वो कोई भी चीज़ ऐसा अलल टप्पू काम नहीं करे, अगर वो छैया हुए नाम से कोई फिल्म बना थे तो 50 साल के जो बुजुर्ग हो गए ना आप जो 25 साल के लड़का है ओला भी पता हो या अपन आप में कि ये आदमी का बना थे, काबर कि वो सिर्फ छैया हुए नहीं बनाए हैं, वो खरत मया झन भुलवा बा फस झन पगली लैला हिप टॉप ले शुरू में मैक कहानी एक से एक फिल्म बनाए, कोई पिक्चर होकर फ्लॉप नहीं हुए, पब्लिक ला बहुत अच्छा से पता है कि सतीश भैया का कर सकते, तो मतलब मालूम है अगर वो इतना बड़ा ब्रांड के कोई नाम रखा थे तो भाई वो कोई ऐसे ऐसे फिल्म तो नहीं बना हुआ, नयापन तो है पर जो मोड़ छैया भुइया का जो वो रस है जोकर रस है जोकर वो बिल्कुल मिस नहीं है, वो बिल्कुल है उसको बनाए रखते हुए कि कुछ और नया नया अपन करने की स्क्रीन प्ले अलग प्रेजेंटेशन अलग ये सब चीज अलग जरूर है, लेकिन ओखर जो जो फीलिंग है ना जब वो फिल्म देखी तो आदमी देखी कि दो भाई के जो प्यार देखी या ओखर मन के विचार के जो टकराव देखी या उमेज अगर शिक्षा ऊपर कटाक्ष रही तो इमें राजनीति ऊपर कटाक्ष है, तो कोई भी चीज़ कोई भी रस कम नहीं हो सकते बदल गए हुई, लेकिन जो बनाए के सतीश भैया का जो तरीका है वो वही है जैसे वो बनाते लेकिन मैं पैदा भी नहीं हो रहे हूँ, मैं यूट्यूब में देखे हूँ लेकिन मैं महू देखे हूँ बहुत बार देखे हूँ नहीं था जब वो पिक्चर ला मन देखे मैं भी वैसे संघर्ष करे पड़े थे काबर की अतना पुराना अतना नया ये संघर्ष तुम मेंटेन कर पाए हमारे मास्टर कमाल रीस ना हमारे जो डायरेक्टर है वो कमाल रीस ओखर रहते हो हमारे कभी लगीस नहीं भाई कि हमन कुछ कुछ छैया एक्चुअल में हमारे ऊपर वो बर्डन नहीं डालिस कि तुम छैया भुइया करत हो ये है वो है वो कुछ नहीं डाले, आप 10 टेक 2 20 टेक 2 वाला कोई मतलब नहीं, वो आदमी हंसते रहते एक अब अच्छा करवो बेटा एक अब अच्छा करवो ऐसे करके ना वो अपन बेस्ट निकाल लेते बोला मालूम है जो बेस्ट है वो आदमी कभी छैया भुइया के हमारा प्रेशर नहीं दिस ना कभी प्रेशर नहीं। अच्छा सच बोलो तो हम करते करते सच बोलो बीच में भूल भी गए हो कि हम छैया भुइया करा था ना
दो चार पांच दिन के बाद अपन कैरेक्टर हम जब पकड़ लेते हैं ओखर बाद में ना समझ आए थे कि हमारे तो जिसे रोज का शूट करना है सच बता है ना मेरे ख्याल से कोई याद नहीं हो कि हम छैया भुइया शूट करा था हमारा रही सतीश जैन जी को पिक्चर करा था याद रहेगा ये नहीं ऐसे बात नहीं है सही कहा थे बहुत स्मूथ करते थे वो काम में बहुत स्मूथ करते छैया भुइया यस नाम हमेशा दिमाग में रही फिल्म करा था बट एक होते ना कि वो छैया भुइया प्रेशर नहीं रही वो क्योंकि इतना स्मूथली सतीश सर हर चीज बता देते समझा देते और आपके ऊपर से पूरा बर्डन गायब कर देते सर अब आप लोग कैरेक्टर में ऐसे ढाल दी ना कि आपला भी पता नहीं चली कि हम वो कैरेक्टर में हमने लगी हम नॉर्मली शूट कर रहे थे लेकिन सर पूरा स्मूथली निकाल देते सतीश जी पैकअप हो के पैकअप खत्म हो गिस ना ओखर बाद में कोई दिन भर के कोई कि तू ऐसा किया वैसा किया ये करना वो सब कोई फालतू बात नहीं अब मस्त अपने अपने कमरे में फ्रेश हो चाय वाय पियो खाना ना खाओ ये सब वाले काम करते वो मतलब ऐसे नहीं है कि आज दिन में भाई ते वाले शॉर्ट दे सो बहुत खराब रही यार तो कल प्रैक्टिस कर कुछ नहीं वो सब बात ही नहीं कल के प्रेशर ही देना है कल का सीन है रात को असिस्टेंट भेज दी बाकी मतलब वो सीन के बारे में आपसे बात नहीं करी रात को आप पूरा बता दो सतीश जैन काबर खास है अरे भाई वो आदमी मैं तो कल बोलो ना वो आदमी पागल है लेकिन सिनेमा पर मुझे वर्ड है और मैं हर जगह बोलता हूँ कि सही में वो पागल है आदमी लेकिन सिनेमा पर सतीश जैन जो है जगह थे जे आदमी उमन जोखर आस पास रहते ना जिसे बहुत जने जोखर आस पास रहते उमन जानते वो चीज ला नहीं हमारे छत्तीसगढ़ ब्लेस्ड है कि सतीश सर यहाँ पे हावे और जितना भी कलाकार है क्योंकि मोर पहला फिल्म है मोर फर्स्ट एक्सपीरियंस है जितना भी कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ में मैं तो चाहता हूँ कि सब कोई एक ना एक बार अंडर में काम करके सब मौका मिलना चाहिए आदमी के आशीर्वाद से ना सब जन निकले एक बार तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो कॉमेडियन हो हीरो हीरोइन सबको अगर एक एक बार काम कर लेना अपन आप एक तो ब्लेस्ड हो जाए लेकिन वहां से जो अपन कॉन्फिडेंस मिलते ना सतीश के साथ काम करेंगे बहुत कुछ सीखे मिलते आप मतलब फिर कहीं आप झुकना नहीं पड़े या कहीं आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े वो हर सब जन एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए वो सब सतीश भैया ऊपर रहते लगे ही नहीं कि हम शूटिंग करा था ना ऐसे फैमिली आए हैं मिला थे ऐसे गेट टुगेदर हुए टाइप के लेकिन अतका प्यारा हो है शूटिंग और अतका स्मूथली हो है तो हम बता ही नहीं सकना अतका अच्छा बॉन्डिंग और केमिस्ट्री हो गया प्रोडक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग रहता सतीश भैया के फिल्म के प्रोडक्शन जो रही थे ऐसे नहीं कि आप जा सकते आपका लोकेशन नहीं मिला था या स्क्रिप्ट नहीं मिला था या डायलॉग चला था कुछ नहीं है सब ने आप ये हुआ आप सब कुछ अवेलेबल है आप बाकी चीज़ का टेंशन नहीं जाता आप अपन डायलॉग्स और अपन जो भी अपन के रिहर्सल है उनमें कॉन्सेंट्रेट करो वो सब हेडेक ही नहीं है कि भैया यहाँ नहीं शूट करना चलो हमारा वो वहाँ जाना है 20 किलोमीटर वो सब हेडेक नहीं है मतलब एकदम तय है अगर प्रोडक्शन टीम इसे करीस तो पता नहीं होकर मतलब वाट लगा दी भैया तो ये भी बहुत यूनिक चीज है एक गाना है भाई वो हम सब और मुला लगते है पूरा छत्तीसगढ़िया मन के दिल में बसते हो गाना है ना सबके दिल में बसते वो एक बार मुझे लगता है कि हम चार लोग जरूर गुनगुना दे नहीं ओका लिरिक्स बीच के कोई याद है कि नहीं है गब्बा मत तो याद हुई चलो पकड़ ले वो हेलो 1 2 3 4 भैया भुइया ला छोड़ जबैया तै थीरा बे कहारे छैया भुइया ल छोड़ जबैया तै थीरा बे कहारे पंछी उड़ते आकाश करते बिरहा आस धरती माए बिना दाना पानी खाबे कहारे तै थीरा बे हारे छैया भुइया ल छोड़ जबैया तै थीरा बे कहारे ये गाना है ये गाना आप सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते ना सोचो ये गाना जब थिएटर में जब ये गाना चली तो मतलब कैसे माहौल हो 20 साल पर मतलब ना 24 साल के बाद बाप रे वो गाना वापस थिएटर में सुने और देखे पर मिली आप अंदाजा लगाओ कि माहौल कैसे हुई छत्तीसगढ़ में ये छैया भुइया 2 जो आ थे वो पिक्चर ला मैं भी देखे लगा हूं और जब गाना ला सुनू आप मन वाकई में कभी भी जब YouTube में गाना सुनू तो वाकई में लगी छत्तीसगढ़ में कुछ तो बने हैं यहां छैया भुइया 2 ला आप मन भी जरूर देखे जाओ काबर की छैया भुइया 2 24 मई के सिनेमा घर में आवा थे और सतीश जैन के मुई है काबर की सतीश जैन के मुई है सतीश जैन के नाम सतीश जैन अच्छा भाई ते जाबे ना पिक्चर देखे पर तो पहले टिकट बुक कर लेबे काबर की अब ते भले प्रेस वाले होबे लेकिन तोला टिकट नहीं मिली
तो आप सबसे भी भाई मतलब मैं देखा तो ना मैं देखा तो ना बुक माई शो वगैरह देखा तो बहुत जगह पे मैक्सिमम टिकट बुक होना चालू हो गए हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि धूप बहुत है, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचे और आप मन बुक माई शो में अभी से टिकट बुक कर लो, कबार कि आपके फैमिली आपके लड़का आपके मम्मी पापा को तकलीफ ना उठाना पड़े। और जे मन नहीं करी वो मन तो खैर थिएटर से देख ही ली, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन है आपके पास में और आप ला समझते वो चीज़ कर सकते हो तो कर लो, तोर भर भी है भाई है ना। हमारो मन भरे अभी दीपा पूछिस मोला पता है भाई वो कल फैमिली जही मैं बोला भाई पहले से बुक कर ले, बाद में फोन करके मोला मत बोल बेते। तो 24 साल बाद 24 मई 2024 को मोर छैया भुइया 2।